हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ग्लैंड फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो यहाँ पे 3.2% बढ़कर 887 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें अगर क्वार्टरली बेसिस पर, तो वो यहाँ पे 27% बढ़कर 260 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर अराउंड 30% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक आउट परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें, हाँ तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे 39.6% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है, यानी कि अराउंड 40% का ग्रोथ यहाँ पे ईयरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में हुआ है, और जो टोटल रेवेन्यू निकला है वो है 887 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पर भी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर हम ईयरली बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 34% बढ़कर 260 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब लेकिन मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी रह सकती है। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 50% ग्रोथ की थी तो हो सकता है कि कल आपको ये शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से ये रिजल्ट अच्छे हैं। अब ये देखिए, 46,872 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, प्राइस टू बुक रेशियो 12.85 है। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अभी कंपनी अभी फिलहाल अभी लिस्ट हुई है, तो मनी कंट्रोल पे डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको चीजें बता दूंगा। अब ये देखिए, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर नजर डालिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके ऊपर नजर डालिए, अराउंड 25-30% का ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हमको हर साल देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2018 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात ये भी है, क्योंकि इस साल भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 15-20% बढ़ी है। अब ये देखिए, 2793 पे भी ग्लैंड फार्मा का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, इसका हाई देखिए 2983 का इसका हाई है, तो अराउंड अभी 4-5% ये शेयर अभी आपको अपने हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है, और अभी देखिए अराउंड 2.5% ये शेयर गिरा हुआ भी था। तो देखिए, जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर है और ये शेयर अभी डाउन है, तो मेरे ख्याल से मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हो सकती है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छे हैं। तो अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड रहिए, और जिनको इन्वेस्ट करने की इच्छा है मेरे ख्याल से वो भी यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका आईपीओ का प्राइस बैंड मेरे ख्याल से अराउंड 1500 रुपीज के लगभग था, और वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80-90% ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, क्योंकि पहले से इसमें अच्छा खासा अपसाइड हमको देखने को मिल गया है। अगर मार्केट इसको और पॉजिटिव वे में लेता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको ग्लैंड फार्मा के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।